हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्लांट किंगडम के जो लेक्चर नंबर 5 को लेकर आ चुके हैं, जिसका नाम है टेरिडोफाइट्स। सबसे पहले हमने एल्गी पढ़ा, उसके बाद ब्रायोफाइट्स पढ़ा, और अब पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट्स क्या है? सबसे पहले क्या देखा, एल्गी जो है वो पूरा प्लांट जो है मतलब वाटर में ही ग्रो करेगा, वाटर में ही रिप्रोडक्शन होगा, वाटर में ही उसका लाइफ साइकिल खत्म होगा। उसके बाद देखा ब्रायोफाइट्स में क्या हुआ, कुछ कुछ प्लांट ज़मीन पर उतर आए, जो वो वाले ज़मीन है जो बहुत मतलब गीला ज़मीन है, हैं, जहाँ पर पानी का भाग भी रहेगा और जिसमें मिट्टी भी रहेगा, मतलब गीला मिट्टी। अब जो टेरिडोफाइट्स में क्या होगा, वो पूरा प्लांट लैंड में आ जाएगा, हैं, मतलब मिट्टी में आ जाएगा, जहाँ पर मतलब वो पूरा लैंड में आ जाएंगे। समझ में आया? पूरा लैंड का मतलब क्या है, उस वो जो मतलब गीला मिट्टी नहीं है, मतलब लैंड जो मतलब लैंड मतलब प्लांट्स जो होता है वो, हाँ, जैसे हम जो घर में खाते हैं सब्जी खाते हैं, जैसे हम ढेकी साग एक तरीके का वेजिटेबल है जिसे हम खाते हैं। तो देखते हैं टेरिडोफाइट्स क्या है। सॉरी, ओके, टेरिडोफाइट्स द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। ओके, सो टेरिडोफाइट्स में क्या क्या आएंगे, हॉर्स टेल आएंगे और फर्न आएंगे। समझ में आया? टेरिडोफाइट्स यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड सॉइल बाइंडर्स। मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है एंड सॉइल बाइंडर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। ओके, घर में सजाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है टेरिडोफाइट्स को। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पॉजेस वास्कुलर टिश्यूज ज़ाइलम एंड फ्लोएम। उन वो टेरिडोफाइट्स से पहला जो मतलब ज़मीन में उगने वाले प्लांट है जिसमें वास्कुलर टिश्यू है, आई मीन ज़ाइलम एंड फ्लोएम है, इसलिए टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स। टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स। ओके, इसलिए टेरिडोफाइट्स को वास्कुलर क्रिप्टोगैम कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस, दो सम मे फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। टेरिडोफाइट्स को देखा जाता है मतलब कूल प्लेस में, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस में, एंड कुछ कुछ टेरिडोफाइट्स को सैंडी सॉइल में भी पाए जाते हैं। आया समझ में? ये था टेरिडोफाइट्स। अब देखते हैं, यू मे रिकॉल दैट ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेस इज द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। मतलब ब्रायोफाइट जो थे, ब्रायोफाइट का जो प्लांट बॉडी था वो था गैमेटोफाइटिक। ओके, मतलब हैप्लॉइड। ओके, हैप्लॉइड कंडीशन था ब्रायोफाइट का, समझ में आया? बट हाउएवर इन द टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी ऑफ स्पोरोफाइट, मतलब इसका जो मेन प्लांट बॉडी है वो है डिप्लॉइड टू एन। ओके, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, जिनमें रूट पाए जाते हैं, स्टेम पाए जाते हैं एंड लीव्स भी पाए जाते हैं। दिस ऑर्गन्स पॉसेस वेल डिफरेंशिएटेड वास्कुलर टिश्यूज। इन सारे प्लांट्स में वेल्ड डिफरेंशिएटेड वास्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। क्या है? ज़ाइलम फ्लोएम। द लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल, जिसे हम कहते हैं माइक्रोफाइल्स, इन सेलाजिनेला, और लार्ज एज इन फर्न। फर्न में लार्ज मतलब माइक्रोफाइल, माइक्रोफिल जो है उसे कहा जाता है स्मॉल, एंड जो मैक्रोफिल्स है उसे कहते हैं लार्ज। इस कभी कभी मैक्रोफिल्स का मेगाफिल भी कहते हैं, समझ में? मेगा भी कहते हैं, माइक्रोफिल मेगाफिल और माइक्रोफिल मैक्रोफिल सेम थिंग। वाया समझ में? नेक्स्ट, द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरंजिया दैट आर सब्सटेंडेड बाई लीफ लाइक अपेंडिजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। हाँ, अगर हम कुछ टेरिडोफाइट्स देखते हैं, जैसे कि टेरिडोफाइट्स में अगर ऐसे प्लांट हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये लीफ हो गया। अब लीफ में क्या क्या
किस किस लीफ में ऐसे स्पोर्स होंगे, हैं और स्पोर्स होंगे। अब स्पोर्स जब अरेंज होगा लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, उसे ही हम कहेंगे स्पोरोफिल्स, जिनमें लीफ में पाए जाएंगे, हैं लीफ में पाए जाएंगे स्पोरंजिया, हैं स्पोरंजिया, उसे हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। मतलब जिस प्लांट जिस लीफ में होगा उसे हम कहेंगे स्पोरोफिल्स। ओके, इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रॉबेली और कोन्स। समझ में आया, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा है कोन और स्ट्रॉबेली, हैं और स्ट्रॉबेलर्स भी कहते हैं हम। ओके, जैसे सेला जिनला इक्विजिटम में दिखाया जाता है स्ट्रॉबेली और कोन, हैं। अगर मैंने इसको ऐसे काटा, ऐसे ऐसे डिवाइड करके इसे सेक्शन कर दिया, समझ में आया, ऐसे सेक्शन अगर किया तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेंगे, कुछ ऐसा, ओके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेंगे। किसी किसी जगह पर ऐसे लिग्यूल निकल रहेंगे, लिग्यूल्स, समझ में ये जो गोल राउंड स्ट्रक्चर दिखाया जाता है ये हमारा हो गया स्पोरोफिल्स। ओके, इसे हम कहते हैं स्पोरोफिल। किसी किसी स्पोरोफिल को हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, किसी किसी को मेगा स्पोरोफिल कहते हैं, समझ में आया। द स्पोरंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, हैं इनमें कुछ स्पोर मदर सेल होगा, एंथ्रेडियल मदर सेल, आर्चिगोनियल मदर सेल, ये सब कुछ कुछ मदर सेल होगा, हैं उच्च मदर सेल से म्यूसिस के जरिए स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज इन टू इनकॉन्स्पिकुअस मॉल, हैं अब क्या होगा जब स्पोर मतलब जर्मिनेट करेगा तो कुछ इनकॉन्सपिकुअस मॉल मतलब थैलॉइड गैमेटोफाइट्स तैयार होंगे जो मल्टी सेलुलर होगा, फ्री लिविंग होगा। ऐसे फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट्स को हम प्रोथैलस कहते हैं। ओके, इन जो प्रोथैलस है उसको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस ऐसे चाहिए जिससे वो ग्रो कर सके। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन, हैं उसको क्या चाहिए, कूल चाहिए, डैम्प प्लेसेस चाहिए, शेडी प्लेस चाहिए। इसलिए क्या होता है टेरिडोफाइट्स हर जगह पाया नहीं जाता, कुछ कुछ जियोग्राफिकल रीजन में ही पाया जाता है। समझ में, नेक्स्ट द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनिया, हैं गैमेटोफाइट्स क्या करते हैं कुछ कुछ मतलब सेक्स ऑर्गन होता है, कुछ मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, कुछ फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको कहते हैं एंथ्रेडिया और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको कहते हैं आर्चिगोनिया। ओके, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एंथ्रोजॉइट, एंथ्रोजॉइट के ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। ओके, सो वाटर एंथ्रोजॉइट के ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम डाइफाइट्स में भी देखे थे। द मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम द एंथ्रेडिया टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, ओके जो मेल गैमेट होगा एंथ्रेडिया से रिलीज करेगा, जो कहाँ पर जाएंगे, आर्चिगोनियम में जाएंगे। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। समझ में आया, जाइगोट कैसे फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है जब मेल गैमेट जब एक से फर्टिलाइज करेगा, जब एक से फर्टिलाइज करेगा तब क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट, तब जाइगोट फॉर्म करेगा मेल गैमेट जब एक से फ्यूज करेगा, समझ में आया, तब जाइगोट फॉर्म करेगा। नेक्स्ट, जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस ए मल्टीसेलुलर
वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट है। उसके बाद क्या होगा, जाइगोट स्पोरोफाइट फॉर्म करेगा जो मेन प्लांट बॉडी है, विच इज़ डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट, जो डोमिनेंट है मतलब ज़्यादा वही रहेगा, स्पोरोफाइट ही रहेगा। इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। हाँ, कुछ कुछ टेरिडोफाइट्स में क्या होता है कि मतलब ज़्यादातर मतलब टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, जो स्पोर होता है एक ही तरीके का स्पोर होता है। सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स, सो द प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस, इसलिए उसे होमोस्पोरस कहते हैं। होमो का मतलब है सेम, होमो का मतलब है सेम, एंड हेटेरो का मतलब है डिफरेंट। हेटेरो, हेटेरो का मतलब क्या है, सॉरी डिफरेंट, डिफरेंट है। तो हेटेरो का मतलब क्या है, हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, जगह नहीं है इसलिए लिख नहीं पाए, बट होमो का मतलब है सेम। जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, होमो का मतलब है सेम एंड हेटेरो का मतलब है डिफरेंट। हाँ, तब भी हमें होमो एंड हेटेरो का यूज़ करना है। सॉरी, नेक्स्ट जेनेरा लाइक सेलाजिनेला एंड सेल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स। हाँ, बट सेलाजिनेला एंड सेल्विनिया में दो अलग तरीके का स्पोर होता है, मतलब अलग अलग स्पोर, सेम काइंड नहीं है, सिमिलर नहीं है, अलग अलग। जो मैक्रो है, मैक्रोस्पोर हैं, एंड माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर क्या होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है, एंड माइक्रोस्पोर होता है स्मॉल, इसलिए उसे कहते हैं हेटरोस्पोरस। द मेगा स्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइटिक रेस्पेक्टिवली। मेगास्पोर क्या फॉर्म करेगा, मेगास्पोर फॉर्म करेगा फीमेल गैमेटोफाइट एंड माइक्रोस्पोर फॉर्म करेगा मेल गैमेटोफाइट। आया समझ में, ये रहा, ये जो है ये माइक्रोस्पोर स्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब वो है मेल, मेल, एंड मेगा जो स्पोरेंजियम होता है वो होता है फीमेल। समझ में आया, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम ये है, स्पोरेंजियल वॉल, ये जो वॉल होता है, हाँ ये वॉल है, टैपिटम है। टैपिटम का काम क्या है, टैपिटम का काम होता है न्यूट्रिशन देना, हाँ स्पोर्स को न्यूट्रिशन देना। माइक्रोस्पोर लीग्यूल स्टॉक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्ट्रक्चर को जानने के लिए मैंने दिया है, ओके। द फीमेल गैमेटोफाइट्स इन दिस प्लांट्स रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स फॉर वेरिएबल पीरियड्स। हाँ, आपको समझ में आया, मतलब प्लांट पेरेंट जो स्पोरोफाइट में उसमें ही रहते हैं वेरिएबल पीरियड के लिए, मतलब अलग अलग होगा। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन यंग एम्ब्रायोस टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। हाँ, जाइगोट का जो मतलब डेवलपमेंट होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है। दिस इवेंट इज प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। हाँ, ये सीड हैबिट का प्रीकर्सर है, कंसिडर्ड एंड स्टेप ऑफ स्टेप इन इवोल्यूशन, जो इम्पॉर्टेंट स्टेप इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो हमें कुछ जानना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल्स को हमें अच्छे से जान लेना होगा। समझ में आया, सबसे पहले जो है सिलोफाइटा के अंदर, सिलोफसिडा के अंदर होता है सिलोटम, मतलब सिलोटम है हमारा एक एग्जाम्पल। जैसे सेलाजिनेला लाइकोपोडियम एक एग्जाम्पल हो गया, इक्विजिटम हो गया, डायप्टेरिस टेरिस एंड एडेंटम। किसके अंदर क्या होता है, जैसे डायप्टेरिस टेरिस एंड इसके एडेंटम के अंदर किसके अंदर आता है, टेरोप्सिडा के अंदर आता है, इक्विजिटम आता है स्पिनोप्सिडा, सेलाजिनेला लाइकोपोडियम लाइकोप्सिडा एंड सिलोटम आता है सिलोप्सिडा। आया समझ में, तो यहाँ हमारा टेरोफाइट जो है ख़त्म हो गया। यहाँ पर ऐसे ही टेरिडोफाइट्स को अच्छे से पढ़ना है। हाँ, टेरिडोफाइट्स से अगर कुछ क्वेश्चन आया तो यहाँ से आएंगे। हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी को हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, एनसीईआरटी को क्या क्या एनसीईआरटी के एनसीईआरटी में था, हमने यहाँ पर पूरा एनसीईआरटी एक्सप्लेन किया, ओके, फुल हमने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो आएगा उस नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो होगा जिम्नोस्पर्म। ओके,
नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 6 जो आएगा वो जिम्नोस्पर्म पे आएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखने के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हाँ लाइक कीजिए और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे आपके दोस्त भी उस इससे उतना ही हेल्प ले सकेंगे। ओके सो गुड बाय, थैंक यू सो मच।